दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने चुनाव प्रचार में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रही। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। दरअसल खबर ये है कि निर्भया की मां विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। इसे लेकर कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ए मां तुझे सलाम, आशा देवी आपका स्वागत है। उनके इस ट्वीट ने तमाम नेताओं से लेकर आम जनता को भी हैरत में डाल दिया है। सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या सच में निर्भया की मां चुनाव लड़ेंगी। कीर्ति आजाद का ये ट्वीट वायरल होते ही निर्भया की मां आशा देवी के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आशा देवी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। लेकिन ये बात सामने आते ही आशा देवी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस में शामिल होने की खबर से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी कांग्रेस में किसी से कोई चर्चा नहीं हुई है, मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए न्याय और दोषियों की फांसी चाहती हूँ। लेकिन कीर्ति आजाद का ट्वीट लोगों के मन में अब भी कई सवाल खड़े कर रहा है। बता दें कि साल 2012 में हुए निर्भया केस के दोषियों को फांसी की सजा में जारी कानूनी रुकावट पर आशा देवी ने दिल्ली सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया था। निर्भया की मां ने कहा था कि राजनीतिक फायदे के लिए दोषियों के फांसी की तारीख टाली जा रही है। हालांकि दिल्ली कोर्ट ने निर्भया केस के चारों दोषियों के फांसी की दूसरी तारीख जारी कर दी है। कहा जा रहा है कि 1 फरवरी को मुजरिमों को फांसी दी जाएगी। टीम खबर अपडेट।